खरगोन जिले के गोगांव क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है ताकि संक्रमण न फैले। इस अवधि में अति आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग एवं नागरिकों को छूट दी गई है। लॉकडाउन के बावजूद मार्गों पर अनावश्यक लोग घूमते फिरते नजर आ रहे हैं, जबकि जिला प्रशासन ने कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया है। इसी को लेकर आज गोगांव दंडा अधिकारी राधेश्याम पाटीदार और पुलिस वाहन नगर की सड़कों और गलियों में घूमते दिखाई दिए, अनावश्यक घूमते लोगों को समझाते हुए नजर आए। इसी के साथ आज कुछ दुकानदारों एवं नागरिकों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। गोगांव से इकबाल हकीम की रिपोर्ट। आज कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोगांव में जनपद पंचायत ग्राम पंचायत गोगांव एवं पुलिस प्रशासन के साथ में चालानी कार्यवाही की गई। लगभग 3,500 रुपये के चालान काटे गए, जिसमें कुछ इसके कोरोना के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने के मुद्दों पर चालानी कार्यवाही की गई। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे आप? लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और अधिक से अधिक घर में रहें। जितने संक्रमण से दूर रहेंगे और घर में सुरक्षित रहेंगे, उतने को कोरोना से बचाव होगा। ठीक है, क्या नाम लिखते हैं? राधेश्याम पाटीदार, तहसीलदार गोगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।